हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियोस में आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका क्लास टेंथ का ये चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि केमिस्ट्री का क्लास टेंथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में चैप्टर का नाम डालिएगा, ठीक है। चैप्टर टू है ये आपका केमिस्ट्री में एसिड, ओके। क्या डालेंगे? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे एसिड के बारे में, ठीक है। अगली वीडियोस ऐसे आपको बेस के सॉल्ट के बारे में मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में डाल सकते हैं चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। चलिए इसमें मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे उसको डिफाइन कर दिया गया है कि अब वो या तो एसिड हो सकता है, या तो वो बेस हो सकता है, या तो वो सॉल्ट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर दिया गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। या तो वो कंपाउंड आपका एसिडिक हो सकता है, या तो वो कंपाउंड बेसिक हो सकता है, या तो वो कंपाउंड सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए इतने तो आपको बात पता चल गया। तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद फर्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं सबसे पहले आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, इंडिकेटर एक टाइप का डाई होता है जो एसिड या बेस के डाइज डालने के बाद अपने कलर्स को वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं, इंडिकेटर्स जो होते हैं ये सूचना देने का काम करते हैं कि जो सॉल्यूशन आप लिए हैं ना, जो सॉल्यूशन आप लिए हैं वो एसिड है कि बेस है, ये कौन बताता है? ये इंडिकेटर्स बताता है, ठीक है। वो इंडिकेटर का काम है बताना कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर में है कि बेसिक है या न्यूट्रल है, ये कौन बताएगा? आपके इंडिकेटर्स बताते हैं। तो इंडिकेटर्स की डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट करिएगा, इंडिकेटर इज अ डाई व्हेन इट चेंज द कलर व्हेन इट गेट एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है। जब इंडिकेटर्स को एसिड या बेसिक सॉल्यूशंस मिल जाए तो वो अपने कलर्स को क्या करते हैं, इंडिकेटर्स चेंज करते हैं, और उसे चेंज करने के बाद हमें इंडिकेट करते हैं कि मैं एसिडिक था या बेसिक था, ठीक है। चलिए तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। कॉमन इंडिकेटर में फर्स्ट इंडिकेटर आपका आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। ये आपका एक क्या है, लिटमस पेपर क्या है? आपका एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर इज अ इंडिकेटर, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं सेकेंड इंडिकेटर्स की, तो आपका मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज, ORANGE, ठीक है, नोट करिएगा मेरे साथ, ठीक है। थर्ड वन इज फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन ये आपका क्या होता है, थर्ड इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के अगर नाम पूछ लिया जाए तो बताइएगा, सर लिटमस पेपर, ओके, मेथाइल ऑरेंज, ओके, उसके बाद क्या बताएंगे, फिनोप्थिलीन। ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के डाइज होते हैं जो अपने कलर्स को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब एसिड या बेस वो उनके पास उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं इंडिकेटर्स के, तो अपने कलर्स को वो क्या करते हैं, चेंज करके हमें बताते हैं कि मैं एसिड हूं या बेस हूं, ठीक है। चलिए तो ये लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन प्लांट से, ठीक है। लाइकेन से हम लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है लिटमस पेपर इज ऑब्टेन बाय, ठीक है, डैश आप बताइए, तो लाइकेन से ये लिटमस पेपर ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, लिटमस पेपर क्या करेगा, ठीक है, लिटमस पेपर क्या करता है, ठीक है। अगर आपके पास देखिए एसिड सॉल्यूशन हो,
कौन सा सोल्यूशन हो, एसिड सोल्यूशन हो, तो ये क्या करेगा, एसिड में मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर को डाल दिया। जैसे ही अगर एसिड में ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डालेंगे आप, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर में, बोलिएगा मेरे साथ, रेड कलर में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है, ये आपको माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, अगर अगर बेस हो, अगर क्या हो, बेस हो, तो लिटमस पेपर अपना कौन सा कलर देगा, देखिए अगर बेस हो तो मैं रेड कलर का लिटमस पेपर का यूज करने वाला हूं। जैसे ही मैं रेड कलर के लिटमस पेपर को बेस में डालूंगा तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपको पता होना चाहिए। आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो एसिड में ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जैसे ही आप डालोगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें वाटर डाइल्यूट एसिड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो उस एसिड, अभी मैं बताऊंगा डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड वाकई में होते क्या हैं। फिलहाल की क्लास में आपको पता होना चाहिए कि कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहला कॉमन इंडिकेटर्स आपका हो जाएगा लिटमस पेपर, ओके। सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज, ओके। थर्ड वन इज फिनोप्थिलीन, ये आपके कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं। चलिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं ब्लू कलर के लिटमस को कन्वर्ट करते हैं रेड कलर में, बेसिक सॉल्यूशन रेड कलर के लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू लिटमस ब्लू कलर में। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर होता है जो रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर होता है जो अपना कलर एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कर देगा, रेड कलर कर देता है। नोट भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स येलो कलर आपका देगा। ठीक है, गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बोलो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है जो बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, आपको ये माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, फिनोप्थिलीन भी एक आपका क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओके, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिनोप्थिलीन जो है कलरलेस हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होगा, कलरलेस कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिनोप्थिलीन को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो किस क्या अपना कलर कर लेगा, कलरलेस हो जाएगा, बिना कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिनोप्थिलीन, उसके बाद मैं बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देने वाला है। ठीक है, पिंक कलर बेसिक सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोप्थिलीन जो है बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देंगे, फिनोप्थिलीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने माइंड में ये 6 पॉइंट को क्या करिएगा, ठीक है, याद करिएगा या नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से आप अपने कॉपी में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद अगर बात किया जाए ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक टर्म आते हैं। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अपने स्मेल को चेंज कर देंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। दोज सब्सटेंस हुज स्मेल्स चेंज
हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में. ऐसा सब्सटेंस जो अपना क्या करेगा, स्मेल को चेंज कर दे. जो स्मेल है वो क्या होगी, बदल जाएगी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में. ठीक है, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. मेरे साथ लिखते हुए चलेगा, दोज सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ओके, क्या समझा रहा हूं मैं, दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ऐसे सब्सटेंस जो अपने स्मेल को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, किसमें डालने पे, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में. नोट कर लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं. ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं मैं. इंडिकेटर्स तो समझ में आ गया. अब आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, एसिड हेडिंग डालिएगा एसिड. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आपने जो भी मैंने बताया. ठीक है, एसिड हेडिंग डालिए आप अपने पॉइंट में. सबसे पहला बात तो ये, आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ा होगा एसिड क्या होते हैं. तो आप बोलेंगे सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसी को तो हम एसिड बोलते हैं. ठीक है, तो बोल सकते हैं दोज सब्सटेंस हुज टेस्ट हैव सावर, है ना. दोज सब्सटेंस या दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सावर टेस्ट. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो. दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर इन टेस्ट. जो सब्सटेंस स्वाद में खट्टे होते हैं आप उसको एसिड बोल सकते हो. बट क्या ये पॉसिबल है कि सारे चीजों को चेक करते हुए आप चलेंगे. ठीक है, क्या सारे चीजों को आप चेक करके बताएंगे कि तुम एसिड हो या बेस हो या क्या हो, नहीं कर सकते. हम सारे चीजों को चेक नहीं कर सकते, जो कि हो सकते हैं कुछ ऐसे पॉइजनस चीज हो जिसे हम चेक करने के चक्कर में हम ही चेक हो जाएं. ठीक है, अगर उसे हम चेक करें तो हम ही खुद चेक हो जाएंगे. तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक सब्सटेंस को चेक करें. बट फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए जो सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं. समझ में आ गया, दोज सब्सटेंस विच हैव सॉर इन टेस्ट दैट इज नोन एज एसिड. फिलहाल की क्लास में आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं. मेरे साथ साथ इस पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड. नोट डाउन करिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं. ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से ऑप्टेन हो. दोज एसिड विच प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल. ऐसे एसिड जो एनिमल और प्लांट्स के मटेरियल में प्रेजेंट हों, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं तो फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. ओके, फॉर्मिक एसिड देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्गेनिक एसिड है. क्या है ये, ऑर्गेनिक एसिड हैं. अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ और भी ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल. समझ में आ गया, ठीक है. तो व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, जो एसिड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. दोज एसिड विच प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल. समझ में आ गया, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैट्रिक एसिड, बहुत से एग्जाम्पल मैंने, ऑक्सैलिक एसिड मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया. अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सैलिक एसिड मतलब टोमेटोज में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो क्या बताएंगे, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, खट्टे फलों में आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा. खट्टे फलों में आपको क्या मिल जाएंगे, सिट्रिक एसिड मिल जाएगा. कर्ड की बात करूं तो लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिल जाएगा. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके या कमेंट बॉक्स में और भी आप ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं मिनरल एसिड क्या होते हैं. ठीक है, अगर उसके बाद हम चर्चा करें मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखिएगा.
ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑप्टेन किया जाए, ठीक है, अर्थ के मिनरल से जो एसिड्स ऑप्टेन होते हैं, जनरली ये मैन मेड एसिड्स होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स थे ना, ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स थे जो कि हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, लेते ही हैं हम लोग सारे लोग, अभी खट्टे फल खाएंगे उसमें हमें मिलेगा सिट्रिक एसिड, कर्ड खाएंगे तो लैक्टिक एसिड मिलेगा, टोमेटोज ले लेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड आप ले रहे हैं, तो समझ में आ रहा है वो एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। और ये एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या होता है, ये क्या होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स में अवेलेबल हो या प्रेजेंट हो, उसी को तो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। बट ये जो मिनरल एसिड होता है ना, ये जो मिनरल एसिड होता है, ये अर्थ के, आपको पता होना चाहिए, अर्थ मिनरल से ये ऑप्टेन किया जाता है, जो कि मैन मेड एसिड होता है। क्या होता है, ये मैन मेड एसिड होते हैं। मैं मिनरल एसिड के अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है HCl, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड भी एग्जाम्पल है आपका मिनरल एसिड का, एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो H2SO4 हो जाएगा, क्या होगा, H2SO4 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक एसिड तो पता ही चल गया, मिनरल एसिड पता ही चल गए, अब मैं बात करता हूं एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एसिड क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, मैं एसिड के बारे में चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। अब एसिड्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं। जब कभी आप एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को, जिस केमिकल सब्सटेंस को पानी में डालने के बाद वो आयनाइज होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज एसिड। तो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड, दोज केमिकल सब्सटेंस which produce hydrogen ion, those chemical substance which produce hydrogen ion when it dissolve in water। जब कभी आप ऐसे केमिकल सब्सटेंस को पानी में डालें और आपको क्या मिल जाए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, उसी को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं, समझ में आ गया। अगर आप एसिड को पानी में, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्यों सारे एसिड कॉमन होते हैं, व्हाई ऑल एसिड आर कॉमन इन नेचर, सारे एसिड्स कॉमन क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो HCl क्या है, ले लें HCl को जब आप H2O में डालेंगे, किस में डालेंगे, H2O में डाल दिया आपने, अब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये प्रोड्यूस, ये हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं HNO3 की बात कर दूं तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में क्या होंगे, ये ऑब्टेन हो जाएंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसको वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन है, बोलो समझ में आ रहा है। तो क्यों सारे एसिड कॉमन होते हैं, बिकॉज व्हेन एनी एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज या प्रोड्यूस करेगा। बट इसमें भी बट है, बट कभी कभी कोई कोई एसिड लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है और तो और कोई कोई एसिड लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है और कौन मोर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं।
तो मैं बात करूं एसिड दो टाइप्स के आपके हो जाएंगे. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वन इज वीक एसिड. आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा जो चीजें मैं यहां पे बोल रहा हूं. ठीक है, चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं. देखिए, दोज एसिड विच डिजॉल्व इन वॉटर इट कंप्लीटली आयोनाइज. जो एसिड को पानी में डालने के बाद पूरी तरीके से वो आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज होने का मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन, पूरी तरीके से पानी के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाए और प्रोड्यूस करे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. फिर से ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? दोज एसिड व्हेन वी डिजॉल्व इन वॉटर इट प्रोड्यूस या इट कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. ऐसे एसिड जिसको पानी में डिजॉल्व करने के बाद लार्ज अमाउंट पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? द एसिड विच डिजॉल्व इन वॉटर इट कंप्लीटली आयोनाइज, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. समझ में आ गया क्या बता रहा हूं? पूरी तरीके से वो आयोनाइज हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब होता है पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाना. चलिए उसके बाद हम चर्चा करेंगे ये वीक एसिड क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का. चलिए, व्हाट इज वीक एसिड? दोज एसिड विच डिजॉल्व इन वॉटर इट पार्शियली आयोनाइज, एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. नोट डाउन करिए कॉपी पे, दोज एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. बट दोज एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज, एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज नोन एज वीक एसिड. लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन मिलेगा, और तो और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन मिलेगा और पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं. और भी आप एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे. ठीक है, चलिए अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एसिटिक एसिड, जो कि CH3COOH आपका है. ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी आप लिख सकते हो वीक एसिड के एग्जाम्पल में. ठीक है, H2CO3 उसके फॉर्मूला हो जाएगा. और भी आप वीक एसिड के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे. ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा. ठीक है, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं ये कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा H2SO4 के नीचे CONC डॉट, मतलब कंसंट्रेटेड लगा देता. कभी कभी डाइल्यूट मीन्स DIL ऐसे लिख के लगा देगा. तो वो एसिड डाइल्यूट है या वो एसिड कंसंट्रेटेड है, तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ होगा. क्यों डाइल्यूट और क्यों कंसंट्रेटेड बोलते हैं उसकी जानकारी आज आप लोग ले लीजिए. ठीक है, देखिए
जिस एसिड में, है ना, जिस एसिड में वाटर का अमाउंट मैक्सिमम हो और एसिड की अमाउंट मिनिमम हो, दैट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड. द एसिड विच हैव मैक्सिमम वाटर एंड मिनिमम एसिड. जिस एसिड में मैक्सिमम वाटर हो और कम से कम एसिड हो, दैट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड. फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख ही रहे, नीचे डाइल्यूट लगा दीजिए, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा. बट मैं बात करूं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जैसे उसी का अपोजिट करिए. उसमें कंसंट्रेटेड एसिड में क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर दीजिए. दोज एसिड विच हैव मैक्सिमम एसिड एंड मिनिमम वाटर. जिस एसिड में पानी की मात्रा कम हो, जिस एसिड में पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड. बोलो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, समझ में आ गया ना इतना. तो इसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन आप अपने कॉपी में एज इट इज कर लीजिएगा, और जो भी मैंने डिफिनेशन बोला उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए उसके बाद हम चर्चा करेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में. किसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एग्जाम में आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से रिलेटेड. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. आप लोग को मैं बता दूं, इधर कुछ चीजें कट गई हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इस साइड. ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस साइड आ गया था. ठीक है, चलिए अभी मैं इधर नोट डाउन करता हूँ. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ, मैंने कुछ चीज़ें बोला, आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा. बहुत उस साइड मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा था, ठीक है, बट आप लोग नोट डाउन करिएगा जो चीज़ें मैं बोल रहा था. ठीक है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए, क्लास का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ओके, एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहां से नोट डाउन करता हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो एसिड हैव सॉर टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? सॉर होता है. एसिड हैव सॉर टेस्ट. आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड के टेस्ट कैसे होते हैं, सॉर होते हैं. बट आप सारे एसिड को चेक मत करिएगा, अदरवाइज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, आप चेक कर लिए तो क्या हो सकता है, मामला गड़बड़ हो सकता है. इस वजह से आप लोग एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे, चखेंगे नहीं सारे एसिड. आप ऑर्गेनिक एसिड का सेवन करते हैं खुद, टोमेटोज खा रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड आप ले रहे हैं खुद, कर्ड लीजिए तो लैक्टिक एसिड ले लेंगे, खट्टे फल को खाइए, ठीक है, आपके अंदर जाएगा सिट्रिक एसिड. तो वो ऑर्गेनिक एसिड वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हार्मफुल होता है, जो कि आप चेक मत करिएगा. ठीक है, चलिए उसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसिड हैव सॉर टेस्ट. एसिड का टेस्ट बोलो कैसा होता है? सॉर होता है, स्वाद में खट्टा होगा. समझ में आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी? ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जरा देखते हैं हम लोग हैं एसिड का. तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. आप नोट डाउन करिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या करता है? ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. समझ में आया आपको क्या बता रहा हूं? ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हो आप, तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बोलो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. बोलो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. उसके बाद हम चर्चा करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी का. तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आपको पता होगा कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. आप लोग के इन्वर्टर में आप लोग ने देखा होगा बैटरी के अंदर डाइल्यूट एसिड आप डालते हैं, पानी का लेवल जब डाउन हो जाता है तो आप उसमें क्या करते हो, ऐड करते हो मिनरल, उसको
डाइल्यूट एसिड आप मार्केट से लाते हैं उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये थ्री प्रॉपर्टी आप अपने कॉपी पे एज इट इज नोट करिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर दे, है ना, एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, देन फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल बताइएगा सर कि एग्जांपल कोई ले लिया जाए तो एसिड के जगह पे आप ले सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने एसिड के प्लेस पे ले लिया। अब मैं मेटल ले लेता हूं जिंक, कोई भी मेटल रख लेते हैं यहां पे, ठीक है, एसिड की जगह पे आप नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहां पे रख सकते हैं। मेटल की जगह पे मैं सोडियम ले सकता हूं, एल्यूमिनियम ले सकता हूं, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कुछ भी मेटल्स यहां पे आप रख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराइएगा तो तुरंत पहले आप हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दीजिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आपको आइडिया होगा कि सॉल्ट का फॉर्मूला तो NaCl होता है, बट वो कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूले होते हैं। मैं जब सॉल्ट की चर्चा करूंगा ना, बेस पढ़ाऊंगा फिर सॉल्ट पढ़ाऊंगा, तो सॉल्ट की पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि सॉल्ट कितने सारे होते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली पता चल जाएगी सॉल्ट के कितने हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस तो आपने निकाल दिया, अब आप चेक करेंगे ये हाइड्रोजन तो चला गया, मेटल और ये सल्फेट, मतलब मेटल है और इसका मेटल तो पॉजिटिव होता है, एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल से आप एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो जिंक है और यहां पे सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। अगर आपको फॉर्मूला नहीं बनाने आता कि जिंक सल्फेट का सर क्यों ZnSO4 लिखे, तो प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने फॉर्मूला बनाने के बहुत ही जबरदस्त वीडियो डाले हैं, अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप 101% फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे, ठीक है, उसमें फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। पर देखना चाहते हो देख लीजिए, जिंक की बैलेंस प्लस टू होती है, सल्फेट के ऊपर माइनस टू का चार्ज होता है, इसकी चार्ज जितना उतनी उसकी वैलेंसी होती, माइनस टू तो माइनस टू वैलेंसी, जेएन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो ZnSO4 का होल ट्वाइस, वैलेंसी आपस में लोवेस्ट हो जाते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4। इस चीजों के मैंने फुल डिटेल बताया है पिछले वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाउ टू मेक फॉर्मूला, कि मेरी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, चेक कर लीजिए, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आप बना ना पाओ, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी की। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखूँ HCl और यहाँ पे रख दूँ Na, तो हाइड्रोजन तो मैं पहले निकाल दूंगा, अब मेरा बचेगा Na बच गया और यहाँ पे Cl बच गया था, तो Na और Cl से एक फॉर्मूला बना देंगे तो बन जाएगा NaCl। Na की भी वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, और तो और मैग्नीशियम रख सकते हैं, आपके हाइड्रोजन निकल जाएगा और तो और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप मेटल्स को चेंज करते रहिए, अलग अलग एसिड लेते रहिए, आप क्या ऑब्टेन कर लेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो बात हो गई सर फोर्थ प्रॉपर्टी की, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की ये बात हो गई। आपके उस स्कूल में कॉलेज में आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, होता क्या है इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये देखिए, सपोज करते हैं बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आप जाएंगे तो क्या करिए, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड में आप जिंक ग्रैनुल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दीजिए, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद मैंने जिंक के ग्रैनुल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिया, अब ये पूरा कंप्लीटली मतलब क्या है, सील्ड है, इसके बाद यहां से गैस की पाइप निकली हुई है, जैसे ही जिंक ग्रैनुल्स, जिंक का टुकड़ा
जिंक का रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आप कैंडल लेके जाएंगे उस गैस के पास, सपोज करो गैस ऐसे यहाँ पे आ रहा है पाइप के थ्रू, तो मैं यहाँ पे जैसे लेके जाऊंगा मोमबत्ती को तो आपका ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। चलिए ये तो समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट भी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी ये हो गई। हम लोग बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, चलिए इसको इरेज करता हूँ मैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग देखते हैं ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हमसे बोलना चाहता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, अगर कोई भी डाउट हो एक भी प्रॉपर्टी, एक भी फॉर्मूले, एक भी रिएक्शन में, तो कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें, आप जरूर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग बना दी जाएगी, ठीक है। गारंटीड है कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा इस वीडियोज़ को देखने के बाद। चलिए मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो देखिए, जिसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो उसी का रिएक्शन होता है। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, एसिड का रिएक्शन होना है भाई, ठीक है। एसिड लिख लो पहले, किसके साथ करना है यहाँ पे, तो मेटल कार्बोनेट के साथ आपको रिएक्शन कराना है। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो मिल जाएगा सॉल्ट H2O एंड CO2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन हो जाएगा। क्या ऑप्टेन होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं आप, मैं एसिड ले लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने ले लिया एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब तो देखो ये मेटल्स तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, बट कार्बोनेट फिक्स होगा, तो मैं मेटल ले लेता हूं सोडियम, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता नहीं, अगर सपोज करो तो क्या होगा, आप लिखिए यहां पे सोडियम, यहां लिखिए कार्बोनेट पे CO3 पे -2, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, आप जरा देखना चाहे तो सुन लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 281 आएगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए +1, इसके चार्ज -2 तो इसकी वैलेंसी -2, Na का मल्टीप्लाई 2 में CO3 का 1 में, तो क्या हो गया Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो मैंने, मुझे लेना था मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट तो फिक्स होगा, बट आप मेटल बदल बदल के रख सकते हो, कभी आप यहां सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, एल्युमिनियम ले सकते हो। चलिए अब क्या हुआ, अब इसको देखने के बाद कुछ तो हो रहा होगा कि ये तो एसिड है, ये मेटल है, ये कार्बोनेट है, तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर एंड CO2 रिलीज करता है या फॉर्म करता है। तो सबसे पहले आप कुछ ना लिख के H2O प्लस CO2 तो लिख ही दीजिए, क्योंकि वो फिक्स है, बनना ही है उसको, ठीक है। मसला फंसता है आपका सॉल्ट का, किसका बात फंसता है? सॉल्ट का। तो सॉल्ट बनाना मैंने बहुत ही इजी वे में बताया था कि कौन सा मेटल लिया आपने और एसिड का निगेटिव पार्ट, कौन सा मेटल लिया आपने और एसिड का निगेटिव पार्ट, तो मैंने मेटल लिया था सोडियम और निगेटिव पार्ट है Cl, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। या ध्यान इस बात का रखना, फॉर्मूला बनाते समय पॉजिटिव वाले को आप पहले लिखोगे, ठीक है, जिसकी वैलेंस जो पॉजिटिव, जैसे मेटल्स को पहले लिखिएगा, ये मैंने लिखा Na और मैंने लिख दिया Cl, तो क्या होगा यहाँ पे Na की वैलेंसी +1, Cl की -1। जरा ध्यान दीजिएगा कि Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287, लास्ट में 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा -1, क्योंकि 7-8 करोगे तभी तो वैलेंसी पता चलेगा, वैलेंसी नहीं निकालने आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में जाके फॉर्मूलेस की वीडियोस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो Na बन जा, NaCl बन जा, Cl NaCl हो तो गया ये, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एसिड लेके अलग अलग मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करा सकते हो। चलिए ये तो बात हो गई,
अगर मैं इसी में बात कर दूं एसिड का रिएक्शन, इसके फाइव के ये वन थे, ये फाइव का ही सेकेंड है, फाइव का सेकेंड पार्ट। फिर से मैं क्या करता हूं, एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दूं, तो फिर क्या होगा, फिर भी मुझे सॉल्ट सॉल्ट H2O एंड CO2 ऑप्टेन हो जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, एसिड की जगह ले लीजिए HCl मैंने ले लिया। अब क्या होगा, मेटल तो मेरा कोई चेंज करते रहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा फिक्स रहेगा। मेटल की जगह पे मैं ले लेता हूं Na, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 पे माइनस होता है, सोडियम की वैलेंसी प्लस वन, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी माइनस वन होती है। जिसका जितना चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। चलिए उसके बाद Na बन जा Na, HCO3 बन जा HCO3, तो NaHCO3 ये आपका फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, समझ में आ गया। अब क्या होगा, H2O प्लस CO2 ये आपका फिक्स है, आप इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। मामला फंसता है आपका सॉल्ट का, तो बहुत ही इजी वे में मैंने बता दिया कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो और कौन सी एसिड है, एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल दोनों मिला देंगे तो आपका एक सॉल्ट बन जाएगा। ये Na है और ये Cl है, तो क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, मैं ठीक एक सेकंड छोड़ देता हूं, आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब हम लोग चर्चा करेंगे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी का, ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है जब एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी डालिए, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड का रिएक्शन अगर बेस के साथ करा दिया जाए तो आपका सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एसिड के जगह ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस के जगह ले सकते हैं हम NaOH, ठीक है, सॉल्ट का देखिए H2O यहां लिख लीजिए, H2O सॉल्ट एंड वाटर, तो H2O तो आप पहले ही बना दीजिए, मामला फंसेगा सॉल्ट का, तो आपने लिया Na और यहां पे है Cl, तो इसका एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए बन गया, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जरा समझिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ आप कराओगे तो जो कंडीशन होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपका जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टमक एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर देता है, तो क्या होगा, जब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा तो हम बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस, आप लोग ने देखा होगा इनो आता है, गैसोफास्ट, बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं जो पीने के, एंटासिड्स टैबलेट भी आती हैं जो खाने पीने के बाद आपके जो बेस आप लेते हो, आपके स्टमक में जाने के बाद आपका एसिड और ये ऊपर से बेस, ये दोनों कंडीशन न्यूट्रल हो जाता है, फिर आप कहते हैं हमारी एसिडिटी क्या हो गई, सही हो गई। तो बात को समझिएगा कि वो एसिडिटी आपकी सही क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन, आपका कंडीशन जो स्टमक में अंदर न्यूट्रल हो गया मामला, ठीक है। तो एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको मैं कभी कभी पूछूं, मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बताइएगा, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट करिएगा, फिर से एक बार बोल देता हूं, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल एज इट इज नोट
कर लीजिएगा, एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सेवेंथ प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड की प्रॉपर्टी है, मैं एसिड पहले लिख देता हूं भाई, एसिड का रिएक्शन मैं करा देता हूं मेटल ऑक्साइड के साथ। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होता है तो सॉल्ट एंड H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड के जगह पे हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, कुछ एसिड के एग्जांपल आप बताइए, ठीक है? हाँ, HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। और ये मेटल्स की जगह पे आप बदल बदल के कोई भी मेटल ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, बट ऑक्साइड आपका फिक्स होने वाला है, ठीक है? चलिए तो मैं ले लेता हूं कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। मैं ले लूंगा सोडियम तो सोडियम ऑक्साइड, मैं ले लिया मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरीके से आप ऑक्साइड ले सकते हैं। चलिए हमने तो ले लिया, उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। जब ये फॉर्मूला की अगर बात कर लें तो देखिए, कॉपर की वैलेंसी प्लस टू प्लस वन दोनों शो हो जाती है, कॉपर इसकी वैलेंसी माइनस टू होती है, तो सी देखिए टू टू क्या होगा, दोनों की वैलेंसी सेम है तो लोवेस्ट कर सकते हो, तो सी यू ओ बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। सॉल्ट कैसे पता करने वाले हैं बच्चों, तो Cu और इसका नेगेटिव पार्ट मेटल ले लीजिएगा और एसिड का नेगेटिव पार्ट से आप सॉल्ट बना सकते हैं। सॉल्ट बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है? एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल कौन सा आपने लिया था वो, तो मेटल और एसिड का नेगेटिव पार्ट बनता कॉपर क्लोराइड। Cu का फॉर्मूला 2 और वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी -1। चलिए CuCl2 बन जाएगा, ठीक है? CuCl2 बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है। अगर आपको फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर उस वीडियोस को देखें, एक गारंटी ली जाती है कि आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो ना बना पाए उस वीडियो को देखने के बाद। जरूर आप उसको 45 या कुछ नियर अबाउट 40 मिनट्स के आसपास की वो वीडियोस है, बहुत ही अच्छी वीडियोस उसको मैंने बनाया और लगभग 100 फॉर्मूलेज के आसपास उसमें शेयर किए गए हैं और बहुत से फॉर्मूले बनाने के मैथड्स बताए गए हैं, ठीक है? आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एट्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो एसिड जो होते हैं नेचर में कोरोसिव होते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड कैसे होते हैं बच्चों, कोरोसिव होते हैं, एसिड कैसे होते हैं बच्चों, कोरोसिव होता है नेचर में, ठीक है? अब ये कोरोसिव क्या होते हैं, अगर इस क्लॉथ्स पे अगर एसिड को गिरा दिया जाए तो क्लॉथ्स क्या होगा, जल जाएगा। हाथ पे गिरा दीजिए तो आपके हाथ हैंड क्या होंगे, पूरे बबल जैसे पूरे ब्लड आने लगे, पूरा जला देगा इसको, ठीक है? कोरोसिव होता है नेचर में, जला देगा एक तरीके से आपका बॉडी हुआ, कपड़ा हुआ, जिस स्किन को भी जहां पे एरिया पे ना सॉइल मिट्टी फर्स्ट चेयर जहां पे भी गिराएंगे उस पार्ट को वो डैमेज कर देगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से इसको क्या बोला गया है, कोरोसिव इन नेचर बोला गया है, ठीक है? आप लोग को ये भी पता चल गया होगा क्यों सारे एसिड कॉमन होते हैं, व्हाई डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। आप अपने माइंड में सेट करिएगा क्यों सारे एसिड कॉमन होते हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गया, मैं एक टॉपिक अभी बताया था कुछ मिनट पहले, फिर से एक बार चर्चा कर दे रहा हूं क्यों सारे एसिड्स कॉमन होते हैं, क्यों सारे एसिड कॉमन होते हैं बताइएगा। जब कभी आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सारे के सारे एसिड हाइड्रोजन आयन ही प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल एसिड्स आर कॉमन इन नेचर। व्हेन एनी एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, ठीक है? भले ही वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करे या मोर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, बट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस तो कर रहा है। तो यही बात होती है क्या कि सारे एसिड्स कॉमन होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है? उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लिख दूं CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड का एग्जांपल है। अगर इसको क्या किया जाए,
क्या किया जाए, ब्रेक डाउन करें तो CH3COO- नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जरा देखिए हाइड्रोजन आयन मिला, ये है वीक एसिड। ये कैसा एसिड है? वीक एसिड का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन आयन तो दे रहा है, भले ही लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे बट कर तो रहा है। तो इस वजह से ही सारे एसिड्स जो होते हैं कॉमन होते हैं नेचर में। बोलिए मेरे साथ, क्या बोल रहा हूं कि ऑल एसिड्स आर कॉमन इन नेचर बिकॉज व्हेन एनी एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए क्या क्या मैंने बोला। समझ में आ रहा है आप तो पूछिएगा, डाउट होगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड की बहुत से एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों, जब किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। वीक एसिड जरा सर एक बार फिर से बता दीजिएगा, वीक एसिड क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, वीक एसिड क्या होता है? दोज एसिड व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इट पार्शियली आयोनाइज। ठीक है, ऐसे एसिड जो पार्शियली आयोनाइज हो पानी में और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, H2CO3 जो होता है ये एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है ये। सल्फ्यूरस एसिड की मैं बात करूं तो H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड है जो कि क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जरा सा एसिड के कुछ यूजेस के बारे में। ठीक है, कुछ एसिड के क्या है यूजेस हैं उसके बारे में भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट मैं अगर बात करूं, आप लोग डालिएगा यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड में फर्स्ट आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस। किसका यूजेस बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस आप कहां कहां पे करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम कब और कहां कैसे करते हैं ये सारी चीजें आज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं आपके वो हम लोग बनाते हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। उसके बाद डिटर्जेंट्स आप जो होते हैं, डिटर्जेंट्स भी जो होते हैं हम लोग किसकी मदद से बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। डाइज हुए, ठीक है, एक्सप्लोसिव चीज़ें भी हो गई आपकी। ठीक है, डाई हो गई, एक्सप्लोसिव चीज़ें हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गई, ये सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बन जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बन जाएगा आपका फर्टिल, ठीक है, पेंट्स हो गए, ये सारे के सारे मटेरियल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ये सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बन जाते हैं। उसके बाद सर सेकंड कोई एसिड का यूजेस बता दीजिए। तो HNO3 सर ये एक नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का यूजेस हम लोग एक्सप्लोसिव चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जो है ये बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, विस्फोटक चीजें हैं ये। ठीक है, अब क्या होगा कि जो एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं वो हम बनाते हैं किसकी? ट्राई नाइट्रोटॉल्विन आपका एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का। और तो और क्या बना सकते हैं आप नाइट्रिक एसिड से? तो फर्टिलाइजर्स आप बना सकते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आप बना सकते हो नाइट्रिक एसिड की मदद से। चलिए इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड यूजेस, तो थर्ड आप लोग ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज करते हैं ऑक्साइड की जो फिल्म, जो लेयर होती है उसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, ऑक्साइड्स की आपकी क्या होगी, लेयर होगी, तो उसे हम क्या करेंगे,
क्लीन करेंगे बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करने से पहले उस पर क्या होगा, ऑक्साइड की एक लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर को रिमूव करके फिर हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे। अब वो रिमूव करेंगे कैसे, तो हाइड्रोक्लोरिक की मदद से यूज करके हम ये कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके यूजेस, और तो और आपको कुछ यूजेस बताने हैं कमेंट बॉक्स में एसिड्स के, ठीक है। ये आपका मैंने यूजेस भी कंप्लीट कर दिया। इस पूरे वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर, पूरा एसिड के पार्ट को पूरा समराइज कर दिया। अभी भी कोई अगर डाउट एसिड टॉपिक में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, और कोई भी डाउट अगर है तो एग्जाम्पल के नोट में या फिर नोट्स में, थियरी में, कोई भी डाउट हो एक रिएक्शन में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला मेकिंग का वीडियो निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको डीपली पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।